दल बदलू जिन्हें हम कहते हैं, हर दल में जब इसकी सरकार होती है वहां पहुंच जाते हैं। ललितपुर में काफी दल बदलू है, सांसद के आसपास सबसे ज्यादा दल बदलू पाए जा रहे हैं। विधायक दल बदलुओं को पास में खड़े नहीं होने देते हैं। ऐसे लोग जो हर पार्टी में केवल अफसरबाजता के लिए जाते हैं। हम दल बदलू दलाल की भी एक परिभाषा रख ली है, जिन्हें हम दल बदलू दलाल हम उन्हें मान के चलते हैं जो केवल अपने व्यापार बिजनेस के चक्कर में पार्टियों में जाते हैं। वो जैसी सत्ता बदलती है पार्टी का बैनर बदल देते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर सांसद के आसपास ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो दल बदल के गए हैं और उन्हें कोई परहेज भी नहीं है, उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो कम से कम सांसद ही का चुनाव सामने, तो ऐसे में सांसद की छवि खराब नहीं हो रही। विधायक अपने पास नहीं रखते हैं ऐसे लोग, मंत्री अपने पास ऐसे लोग नहीं रखते हैं, दूरियां बना है, लेकिन हमारे सांसद जी को कोई परहेज नहीं है। आखिरी टेक सौरभ जी, हम बताएं आपको क्या है, हमारे जो मंत्री जी हैं वो स्थानीय हैं, यहाँ लोकल में वो सबको जानते हैं और विधायक जी जानते हैं सबके बारे में। सांसद जी चूंकि झांसी के हैं, झांसी जिला पहले ललितपुर एक ही जिला था, है क्या कारण सांसद जी अधिकतर समय बाहर रहे, गुजरात क्षेत्र में रहे, सुना है हमने ऐसा, विदेशों में पड़े हैं, उनका व्यापार भी चला है, और वो जानते नहीं लोगों के बारे में। अच्छा एक और बात है, अभी जो लोग वो जो सत्ता संरक्षण माफिया कहे वैसे हाँ, उन्हें हाँ। जो दलाल टाइप के लोग हैं, ये हमेशा दूसरे दलों में रहे हैं और ये सत्ता को सुख भुगते रहे, आज वो भाजपा के बड़े कट्टर नेता हैं और सांसद जी के बड़े करीबी और खास कहलाए जाते हैं। सत्यता ये है कि सांसद जी के पास उनकी सत्यता या पहुंच नहीं रही है, या सांसद जी उनकी सत्यता सुनना नहीं चाहते, देखो, या अंधविश्वास उनके ऊपर उनको है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही सत्ता बदली, बड़े पैमाने पे उनकी फर्मों को, उनके लोगों को काम मिल रहा है। आखिरकार बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं को काम नहीं मिल रहा, उन्हें काम मिल रहा तो कैसे मिल रहा? ये वही लोग हैं जो बीएसपी में पावर में थे, ये वही लोग हैं जो सपा में गुंडागिरी कराते थे, इनके बारे में बोल नहीं पाते थे लोग। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस में, जब कांग्रेस की सरकार कभी केंद्र में रहा करती, जब उद्यम करते थे, ये वही हैं जो आज बीजेपी में अपने आप को बचा कर, जिनके ऊपर तो कई कई लोगों पर बड़ी बड़ी रिकवरियां हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सिंडिकेट है, देखो एक सिंडिकेट है यहाँ पे, एक सिंडिकेट ललितपुर जिले में बहुत बड़ा सिंडिकेट है। ये लोग अखबार लाएंगे एक सिंडिकेट के माध्यम से, एक पत्र का पहले अखबार लाएंगे, एक बड़ा कोई अखबार लाएंगे, सिंडिकेट पूरा, एक व्यक्ति को अखबार पकड़ाएंगे, फिर अखबार के दबाव से फिर भूमाफिया बनेंगे, फिर करोड़ों अरबों की जमीनें वो अर्जित करेंगे, कुछ राजनीति में घुसेंगे, फिर दूसरे लोग उनको राजनीति में उनका प्रवेश कराएंगे। और उनकी ये तय रहती है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसमें रह के हम आपकी मदद करेंगे, दूसरे दल की किसी की सरकार बन जाए तो आप मदद करना, तीसरे दल की बन जाए तो आप मदद करना। इन लोगों का कई दलों का मिला के ललितपुर जिले में ही विशेष स्थिति हमने देखो मिली है। सिंडिकेट है जो हमारे माननीय सांसद जी महोदय बहुत अच्छे हैं, अच्छे कुल खानदान परिवार के व्यक्ति हैं, बड़े ही निष्ठावान है, ईमानदार है, ईमानदार है, कोई आरोप नहीं लगे तो पक्का है, कोई आरोप नहीं लगे ना आरोप, वो इस नेचर के व्यक्ति हैं। बस ये जरूर है कि वो समझ नहीं पा रहे कि ये लोग हैं, और जब मंत्री जी को ये पता चलेगा कि जिन लोगों का हम सहयोग कर रहे हैं वो न्यायाधी गिरे हुए नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। हम इस बात को जानते हैं, सांसद जी को, हाँ सांसद जी को कष्ट होगा, क्योंकि वो बहुत पवित्र और बहुत साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं सांसद जी।